देश में पिछले 24 घंटों में सामने आए करीब 15,000 नए मामले, 312 लोगों की हुई मौत। ओडिशा में शर्तों के साथ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज, अहमदाबाद में मंदिर परिसर के भीतर ही निकाली जाएगी यात्रा। गोवा में कोरोना से पहली मौत, तमिलनाडु को पीछे छोड़कर दिल्ली दूसरा सबसे प्रभावित राज्य। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में छिटपुट बारिश, अगले दो दिनों में पहुंचेगा मानसून। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन आईसीयू से बाहर आए, तबीयत में पहले से काफी सुधार। पतंजलि ने कोरोना की आयुर्वेदिक दवाई कोरोनिल बनाने का दावा, आज बाबा रामदेव करेंगे लॉन्च। परी मानसून फिर सक्रिय, आज 5 जिलों में राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी। धौलपुर में कोरोना विस्फोट, कांग्रेस विधायक के परिवार के 22 लोग पॉजिटिव। कांग्रेस को वोट देना माकपा एमएलए बलवान पूनिया को पड़ा भारी, पार्टी से 1 साल के लिए किया सस्पेंड। लगातार तीसरी बार अजमेर दरगाह कमेटी के चेयरमैन चुने गए अमीन पठान,